इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से और देश काल परिस्थिति के अनुरूप जिस निर्णय की आवश्यकता थी वो लिया गया है, और उसको लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं। एक, एबी रोड पर आने वाले समय में ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से 4-5 पुल बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फिजिबिलिटी सर्वे भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप ये BRTS हटता हुआ नजर आएगा। दूसरा, जब इस BRTS को बनाने की कल्पना हुई थी शहर में अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दृष्टि से, और BRTS के माध्यम से जो पैसा शहर में आया उस कारण से ये पूरा एवी रोड बना, सड़क बनी, एंड टू एंड ये सड़क बन गई, कई सारी लिंक रोड बन गई, और आज BRTS के इतने समय के उपयोग के बाद जो इसका एक बड़ा लक्ष्य था कि इसका जो एरिया होगा वो करीबन हम 100 किलोमीटर तक ले जाएंगे, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आज हमारा BRTS उतना ही है, करीब 11.5-12 किलोमीटर का। और उस समय के और अभी के कॉमन एरिया में बढ़ने वाले चलने वाले वाहनों की संख्या कहीं गुना बढ़ गई है। तो जो मूल लाभ हमको मिलना था वो मुझे लगता है कि पूरे शहर की दृष्टि से उस BRTS को यदि हम कर पाते तो एक बड़ी उपलब्धि होती है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। इसलिए कॉमन एरिया में चलने वाले लोगों की सुविधा, मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से भविष्य में होने वाले निर्माण जो अपने आप ट्रैफिक कंजेशन को ठीक करेंगे, इन 2-3 कारणों से मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है, हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका लगी थी या एक और अन्य कोई याचिका जो लगी है उसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि भाई कोई BRTS हटाने के लिए कोर्ट में गया, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने समय समय पर अलग अलग कमिटीज भी बनाई, कई बार फैसले भी आए, लेकिन आज उसको हटाने की याचिका लंबित है और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय नीतिगत निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है। तो अगर ये नीतिगत निर्णय है तो इसमें कोर्ट में लंबित याचिका बहुत कोई संकट खड़ा करेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर, अगर BRTS हटाने की बात पे अमल होता है जो अभी कोर्ट के निर्णय के बाद ही तय होना है, तो सर क्या क्या व्यवस्थाओं में बदलाव होगा, जनता ये जानना चाहती है। देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए BRTS हट जाता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस बंद नहीं होगा, लोगों की सुविधाओं के लिए चलने वाली बसें बंद नहीं होंगी, हम उसको और सुगम सुलभ बनाने के लिए व्यवस्थाएं देंगे, आवश्यकताएं पड़ेंगी और है भी तो बसों की संख्या बढ़ाएंगे। अभी पलासिया उसका उदाहरण है कि पलासिया पे BRTS का बस स्टॉप लेफ्ट हैंड ड्रिवन ही है, तो वैसी व्यवस्था के अनुरूप ये BRTS पे चलने वाला जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, उसी सुगमता से उसी सुलभता से चलता रहे इसकी हम चिंता करेंगे। क्या बसों को बदलना पड़ेगा सर, क्या नए स्टॉप बनेंगे? प्रथम दृष्टया मुझे नहीं लगता बसें बदलनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड पे बस स्टॉप बनाने पड़ेंगे, इतना ही हमको करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से एक बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सुगम हो, बसें जो हैं वो चलती रहेंगी, बसें बंद नहीं होंगी, लोगों के लिए आवागमन के संसाधन और जितने बढ़ाने की आवश्यकता होगी वो बढ़ाएंगे। BRTS अब जब बना तब और अभी की परिस्थितियों में बदलाव है, इसलिए ये निर्णय जनहित का है, हम इसका स्वागत करते हैं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद।